नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में अभी तक कवर कर चुके हैं हेडर एंड फुटर ऑप्शन तक। तो अभी तक जो हमारे हो गए लगभग 23 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो पहले जाकर उनको देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी, या तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, MSWord 2013 और 16 के अनुसार प्लेलिस्ट दी है 23 लेक्चर की, या फिर यहाँ आई बटन दिया है, यहाँ से आप प्लेलिस्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। और उन वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम कवर क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड हम सारे ऑप्शन यहां कवर करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स होता क्या है, सबसे पहले तो हमने क्या देखा था, हमने यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स उपयोग करे थे। कैसे, शेप में गए थे और यहां से टेक्स्ट बॉक्स भी ला सकते थे और प्रत्येक शेप के अंतर्गत हम लिख भी सकते थे। तो ये तो हमने देख लिए थे, पर पर्टिकुलर यहां टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग भी दिया है। तो टेक्स्ट बॉक्स लाना कहां चाहते हैं आप, तो चलिए हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ये कंट्रोल प्लस एन क्लिक किया हमने और ये हमारे सामने ब्लैंक पेज आ गया। और अब हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। तो इंसर्ट टैब में जैसे ही जाएंगे हम, तो यहां टेक्स्ट बॉक्स की अलग अलग स्टाइल आपको बनी हुई मिलेगी। तो आप चाहते हैं कि ये लेफ्ट वाली आपको क्या मिले, ये स्टाइल सीट मिले, तो आप यहाँ टाइटल दे सकते हैं और टेक्स्ट यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइटल दे सकते हैं, ये हमने टाइटल दे दिया और यहाँ आप मैटर चेंज कर सकते हैं। अब आपको इस प्रकार की स्टाइल सीट नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से इंसर्ट में जाएंगे और ये टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, और टेक्स्ट बॉक्स में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये राइट वाली स्टाइल आप इसमें ला सकते हैं। अभी तो बात हो गई बनी बनाई स्टाइल की, हम इसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग कैसे करोगे भाई, डिजाइन जो फॉर्मेट टैब है ये खुल गया है और इसमें जाकर हम इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमारी जो बनी बनाई थी उसको हम अलग से चेंज कर सकते हैं। ये हेडिंग का जो है बॉक्स, इसको भी हम यहां से बदल सकते हैं। ये देखिए, तो एक तो चीज है कि बनी बनाई आप पहले से स्टाइल ला सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। किससे करोगे, या तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिए या इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में आपको जाना है। उसके बाद आप यहां क्या कर सकते हैं, सेव को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए हम अलग से एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, सारी इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसमें टाइप कर सकते हैं, आप पिक्चर ला सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिक्चर लाना, पैटर्न ला सकते हैं, ग्रेडियंट ला सकते हैं। ये सारी चीजें हमने अगर फिल नहीं करना तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट की स्टाइल बदलना, चलिए हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, टेक्स्ट की स्टाइल हम इसमें बदल सकते हैं। देखिए ये टेक्स्ट की स्टाइल आपको बदलती हुई नजर आ रही है। तो बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो ये आप टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड यहाँ सारी चीजें इसमें देख सकते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स में है क्या और देख लेते हैं हम। यहाँ से आप स्टाइल सीट, तो जो है जो भी टेम्पलेट बनी हुई है उनका प्रयोग, पहले से बनी वाली जो टेम्पलेट है उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे सेकेंड पेज में हम जाते हैं, तो सेकंड पेज में हम जाते हैं, यहाँ फर्स्ट पेज में आ गए हम, सेकंड पेज में सारा मैटर चला गया हमारा। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ आप देखिए ये सेंटर वाला कर सकते हैं, ये जो भी आपको जरूरत है यहाँ आप कर करके देख सकते हैं। देख लेते हैं एक दो और हम, यहाँ आप जैसे सिंपल टेक्स्ट बॉक्स चाहते हैं तो सिंपल भी ला सकते हैं, ये जरूरत पड़ती है हमको कहीं कहीं सिंपल लाने की। तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे भी दिया है और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ पे भी दिया है। ये देखिए ये आपको ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे भी दिया है और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स वहाँ पे भी दिया है। तो आप जरूरत के अनुसार, आप इच्छा अनुसार यहाँ पे देखिए हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टेक्स्ट बॉक्स की बात। अब हम इसके आगे देखते हैं और क्या ऑप्शन है। तो ये क्विक पार्ट है, तो क्विक पार्ट जो होता है जैसे ऑटो टेक्स्ट है, ऑटो टेक्स्ट मतलब पहले से बने बनाए जो टेक्स्ट है उनको हम ला सकते हैं। हमने हेडर एंड फुटर में बकायदा देखा है, जैसे विंडोज यूजर आ गया है तो ये हम बना भी सकते हैं। तो जैसे हम देखें ऑटो टेक्स्ट में, तो ऑटो टेक्स्ट में तो यहाँ पे हमको इतने बस बने बनाए मिल रहा है। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी में हम ऑथर का नाम, मैनेजर, कीवर्ड, स्टेटस, ये टाइटल, ये देखिए ये सारी चीज़ हम उसमें से ला सकते हैं। हालांकि इनका प्रयोग ज़्यादातर हम उपयोग नहीं करते हैं, फिर भी लाते बनना चाहिए हमको बने बनाए जो भी हमारे टेक्स्ट होते हैं। फील्ड में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, फील्ड में अलग अलग प्रकार की फील्ड होती है जिसमें से हम कोई भी चीज़ को ऐसे सेलेक्ट करके, जैसे ऑथर, ऑथर हमको चाहिए अपर केस में, लोअर केस में, किस प्रकार चाहिए। अब अपर केस में चाहिए तो भाई हम यहाँ टाइप कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ टाइप किए क्या, ओके कर दिए। अब आप देख सकते हैं जो ऑथर आया है वो कैसा आया है, कैपिटल में आया होगा। ये देखिए कैसे कैपिटल में आया, मतलब हमने कर्सर जहाँ रखे थे वहाँ दिख रहा है हमको, तो ये हम हटा देते हैं इसको। ये देखिए ये कैपिटल में आया, तो हम जिस प्रकार वहाँ सेलेक्ट करेंगे इसमें से हम ला सकते हैं।
अब इस लेक्चर में हम तो ये दोनों ही ऑप्शन देखेंगे। हाँ, अगला जो लेक्चर आएगा हमारा, उसमें कंप्लीट हम बर्ड आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है बर्ड आर्ट, जिसे हम शेप में प्रयोग करे थे, मतलब शेप में सारी फॉर्मेटिंग करे थे, पिक्चर में करे थे, उसी प्रकार हम बर्ड आर्ट में भी फॉर्मेटिंग करे थे, मतलब अगले लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि सबका फायदा होते चले। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।